श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी गुरुद्वार के प्रबंध देखती है, पर किसी भी मुसीबत की घड़ी दे उस मुसीबत का भी प्रबंध देखती है। हड़ आए सुल्तानपुर लोधी के आस पास कपूरथला जलंधर शाहकोट के इलाके लोहिया खास के इलाके श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हुम हुमा के उत्थे पुजी, ट्रकों के ट्रक लैके पहुँची, रसद लैके पहुँची, किश्तियां दे राही लोगों तक मदद पहुँचाई। इन्हां सभना दे विचाले एक इंसान ते साडी नज़र गई, जरनैल सिंह बूले, जो लगातार किश्तियां ते जांदे रहे आ, हुण वी जा रहे हैगे आ, लगातार लोगों तक रसद पुजा रहे आ। ते एक एक घर एक एक पिंड दी इन्हां कोल जानकारी है, गलबात करांगे कि आखिरकार हुण की हालात ने, किन्नी ये मदद पहुँचा चुकी है ते किन्ने लोगों नूं होर मदद की लोड़ है ते किन्ने लोग हाले भी डुब्बे हुए ने। बूले साहब बहुत बहुत स्वागत है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेरा सवाल यह है, तुसी हुण तक किन्ने पिंडा तक अपनी मदद पहुँचा चुके हो, वह पिंडा दे हुण दे हालात की है ते किन्ने लोग रहिंदे है जिन्हां तक हजे मदद पहुँचानी बाकी है? 11 जुलाई 2023 तो जदों तो सतलुज दरिया के पानी आया और उन्हें पानी ने जिहड़ा वो बन्न तोड़िया सतलुज दरिया तो ये लोहिया खास शाहकोट के एरिए 11 जुलाई तो लैके श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के जथेदार हरजिंदर सिंह जी प्रधान श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी और साढ़े सकत्र साहब के दिशा निर्देश अनुसार जोड़ा है वो उस दिन तो ही राहत कार्य जोड़े ने लगातार जारी ने। प्रधान जी ने उस तो जिस दिन हड़ आया है बन्न टुटा उस दिन तो ही जेडे गुरद्वारा साहिबाना के जेडे नंबर ने मैनेजर के नंबर वायरल कर दते, जिस तरह के शाहकोट का लोहिया खास का कपूरथले जिले का जोड़ा हैडक्वाटर गुरद्वारा श्री बेर साहब सुल्तानपुर लोधी विखे जोड़ा वो बनाया गया सी। 11 जुलाई जिस दिन बन्न टुटदा है 10-11 बजे सुबह जोड़ा बन्न टुटदा है तो बाबे नानक की कृपा नाल शाम तक ही जोड़ा है वो अं पक्या लंगर लैके जोड़ा वो बन्ना से अं पहुँच गए ही। जोड़े लोग जोड़े नीवे थावां ते बैठे ही जो घर छड़ के अपना तो बन्न ते आण के बैठे तो उन्होंने जदों जकदम आण के बैठना पवे फिर उन्होंने कोई प्रशादा पानी बनाउण दा जां करन दा जोड़ा है कोई वो हुंदा नहीं गा, प्रबंध नहीं हुंदा एड्डी छेती, इस करके जोड़ा भी वो प्रबंध ना होण दे कारण जोड़ा गुरद्वारा बेर साहिब तो लंगर पक्या लंगर है जोड़ा वो लैके 5-6 दिन जोड़ा लगातार शाहकोट दे एरिए और लोहिया के एरिए उधर लैके जाते रहे। उस तो बाद जो वो पानी जोड़ा उन्हें गिदड़ पिंडी के थल्यों पुलिया के बचों की निकल के रेलवे लाइन थानी वड्डी रोड जी मफू लोहिया रोड है वो थानी लंघ के फिर अगे न जोड़ा इधरले पिंड जोड़े 15-16 पिंड जोड़े वो अपनी लपेट च ले ले ही उन्होंने पिंडा दे भी फिर उस दिन तो ही लैके 11 जुलाई तो लैके अज तक जोड़ा है ये निरंतर ही जोड़ा है लंगर का प्रबंध, सुकिया रस्तों का प्रबंध और जोड़ा पशुआ का अचार जोड़ा है तूड़ी जिस तरह के फीड हूँ फीड का जोड़ा वो फीड का चल रहा ये जोड़ा उस दिन तो लैके जोड़ा है वो श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के दिशा अनुसार गुरद्वारा बेर साहब वालों संगतां दे सहयोग नाल जिहड़ा भी बहुत वड्डे पद्धर ते जिहड़ा राशन वरताया गया है। संगतां मान लो कि कुदरत ने ते हड़ लिआंदा ही लिआंदा सी ते जिहड़ा संगतां ने पंजाब दे संगतां जां उत्तराखंड तो यूपी तो जम्मू कश्मीर तो जिहड़ियां संगतां ने वो उन्होंने जिहड़ा वो राशन का जिहड़ा है वो हड़ इस इलाके दे विच लै आंदा, जदों के जम्मू कश्मीर वालिया ने जिहड़ी बहुत ज़्यादा इस वारी मदद की है। जम्मू कश्मीर वाले साढ़े कोल आए 12-13 ट्रक जिहड़े ने जम्मू कश्मीर वालिया दे आए और जम्मू कश्मीर वाले जिहड़े संगतां वख वख थावां तो जिवें अनंतनाग तो बारामुला तो जम्मू तो इत्थों लैके जिहड़े वो आए 12-13 ट्रक जिहड़े वो साढ़े कोल आए। टोटल जिहड़े जम्मू कश्मीर वाले दसदे सी वी पंजाब दे विच हड़ां दे दौरान जिहड़े घट तो घट 50 तों 60 लगभग ट्रक जिहड़े वख वख थावां ते जिवें श्री आनंदपुर साहब रोपड़ पटियाला संगरूर तलवंडी साबो उन्हां जिहड़े थावां ते हैडक्वाटरां ते भी उन्हां पहुँचाया। जिहड़ियां संगतां जम्मू कश्मीर वालियां लै के आउंदियां रहियां है वो इन्ने वधिया परसन सी वी वो साढ़े अहीं उन्हां नूं पिंड दसदे हाँ 2-3 बंदे साढ़े नाल जांदे ही नाल असीं वी जांदे रहे ते वो मुड़ के उत्थे जा के ते आप जिहड़ा हत्थीं सेवा करके आए ने।
उन्होंने बहुत सेवा थी की। उस तो बाद जदों सुक्का राशन आया फिर उन्हें दिल्ली वाले को राशन लेके आए ही ट्रक भर के कुछ वो वरता गए फिर कुछ साढ़े को रख के फिर वो अं पिंडां दे विच जा के डोर टू डोर है जिहड़ा वो घर दे अगले दे बूहे दे बूहा खड़का के तो वो जिहड़ा है अं जाके उन्हां नूं किट्टां जिहड़ियां अं वह बनियां किट्टां राशन दियां जिहड़ियां उन्हां नूं राशन वरताया। पर गल है कि लोगों तक भी पहुँच करनी आर्डर तुसीं भी इत्थे मैनेजर हो तुसीं बैठ के इत्थे अपने इत्थे सेवादारां नूं कह सकदे हो कि राशन पहुँचाओ ठीक है तुसीं खुद जाके लोगों के राशन वंड रहे हो उसका की कारण है तुसीं घर घर पहुँच कर रहे हो खुद पहुँच कर रहे हो। देखो ये गुरु नानक देव सच्चे पातशाह दे दर ते गुरु नानक देव जी ने सेवा बख्शी है तो चलो ये तो कुदरती आफत है ना कुदरती आफत आ गई तो वो बाकी ये सेवा भी है तो जे सेवा मान लो हथी सेवा कर लाँगे तो कुछ ना कुछ गुरु नानक देव जी तो खट लाँगे और संगतां दा भी प्यार खट लाँगे। जे संगतां पिछों जिवें काफ़ी राशन लैके आ रही जिवें दिल्ली तो लैके आए ही यूपी तो लैके आए यूपी तो बेचारे चार पाँच ट्रक जिहड़े तूड़ी दे लैके आए इत्थे उन्होंने फिर इत्थे लाता जिवें थोड़ी थोड़ी किसी नूं चाहीदी ही वंड दित्ती इस करके राशन जी वह संगतां लियाउंदियां उन्होंने फिर मान लो कि इत्थे हैडक्वार्टर सी वो साढ़े कोल आउंदे रहे गाइड करना तो साडा फर्ज बनता उन्होंने भी इस पिंड दे विच कल चली गई तुसीं इस पिंड दे विच आ चले जाओ जिस तरह के साडे कोल आ जिन्ना भी है इहदी लिस्ट टोटल पिंडां दीआं साडे कोल लिस्टां सी उन्हां पिंडां दे जिहड़े चार चार पाँच पाँच बंदिआं दे जिहड़े साडे कोल संपर्क नंबर सी जदों वो राशन लैके आउंदे रहे तो असीं पहलां जिहड़े पिंड च भेजनी हुंदी सी उन्हां पिंड वालिआं नूं कहीदा सी भी आह टीम आ रही है वरताउण लई तो इस करके डाक जिन्नियां टीमां साडे कोल आईआं असीं उन्हां दे नाल आपदे इत्थों मुलाजम भेजदे रहे जां मैं खुद जांदा रहा तो इन्ना ही कीता भी डोर टू डोर राशन वंडिया अगले दे घर दे अगे जा के पहुँचा के आए हाँ भी जे एक थां ते वंडीदा ही फिर उत्थे थोड़ा जिहा गड़बड़ हुंदी सी इस करके जदों डोर टू डोर आपां पहुँचावांगे किते फिर कोई गड़बड़ नहीं होएगी कोई नहीं अगले दे घर दे विच जाईदा है भी इत्थे दो परिवार रहिंदे कि एक परिवार रहिंदा जिहड़े पिंड वाले मोहदवर बंदे सी उह दसदे सी भी इह घर दे विच दो परिवार ने ते उहनां नूं दो किट्टां दे दित्तियां एक सी ते एक दे हुण आखरी सवाल है मेरा हुण मौजूदा हालात की है किन्ने क लोक हजे भी फसे हुए ते कदों तक लगता कि ठीक हो जाणगे। मौजूदा हालात ये आ भी जिवें हुण ब्यास दे विच पाणी काफ़ी दिनों तो 6-7 दिन तो आया तो जिहड़ा मंड दा इलाका है ब्यास दरिया का इलाका उहदे विच घट तो घट जिहड़ा आम जिथे उच्चे थाने उत्थे भी 5-5, 6-6 फुट पाणी जिहड़ा वग रहा हुण कल दा जिहड़ा उह 2 फुट जिहड़ा उह पाणी नीचे गया उतरिया तो रात का जिहड़ा है उहनूं थोड़ा जिहा उह स्टॉप होया भी हुण ज़्यादा नहीं उतर रहा क्योंकि हेड तो जिवें अगे तरन तारण पट्टी साइड नूं जिहड़ा उह बन्न इक टुट गया उहदा करके थोड़ा जिहा उन्होंने दर जिहड़े ने उह हरी के हेडवर्स तो जिहड़े उह दर घटाए ने इस करके जिहड़ा पाणी दा लैवल जिहड़ा थोड़ा जिहा उह घट होया पर फिर भी 2-2.5 फुट जिहड़ा इत्थों साडे कोलों पाणी घट हो गया तो जिहड़ी हड़ दी स्थिति उह अजे ज्यों दी ते उं ही है क्योंकि जिन्ना चिर पाणी सारा नहीं उतरदा उन्ना तक सड़कां नंगियां नहीं हुंदियां आपां उन्ना तक पहुँच नहीं कर सकते चंगी तरह बाई रोड तो वह फिर उन्ना चिर ते स्थिति जिहड़ी है बहुत नाजुक स्थिति है इस करके जिहड़ा है भी वह संगतां नूं ही चलो मैं तो अपील करदा भी जिहड़े पाणी दे विच घट तो घट मेरा ख्याल है भी 1200-1300 जिहड़ा घर है वह इत्थे बाऊपुर सांगरा जिहड़ा है अगे जिहड़ा इत्थों आली कलां मेन जिहड़ा जाके जिथे दरिया इकट्ठे हुंदे ने उत्थे भी काफ़ी जिहड़ा है भी ये उत्थे घर जिहड़े अंदर फसे ने संगतां नूं अपील है भी उन्हां नूं ते आपां जिवें हरा चारा जां अचार जां फीड दी जिहड़ी है वो सेवा हुण करगे आपां राशन तो चलो उन्हां कोले पहुँच गया ते जिहड़े पशुआं दा जिहड़ा बेजबान जिहड़े उन्हां दी लई अपील है भी उन्हां नूं आपां जिहड़ा है आपां हरा चारा फीड भेज के ते उन्हां दी भी आपां सेवा करिए इस करके संगतां नूं अपील है भी वध तों वध जिहड़ी आपां हड़ पीड़तां दी जिहड़ा सेवा करके गुरु नानक देव सच्चे पातशाह दीआं खुशियां प्राप्त करिए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह। तां हुण हालात कुछ इस तरह दे हैगे कि हड़ दा पाणी हजे भी खड़ा हैगा हालांकि अगे नालों पद्धर जरूर घटिया हैगा पर जिन्ना समा पानी क्लीयर नहीं हो जाता रस्ते साफ नहीं हो जाते लोगों तक मदद की लोड़ हैगी है पशुओं वास्ते चारे की लोड़ हैगी है तो लोगों वास्ते राशन की लोड़ है। कैमरा परसन डिंपी के नाल आशो नेजा लिविंग इंडिया न्यूज़ सुल्तानपुर लोधी।